के सीटीओ लाहौर की न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक अफसरान से खसूसी तौर पर मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में वन डीलर्स और तेज़ रफ्तारी को रोकने के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान हैदर। अरसलान, आगाह कीजिएगा मीटिंग में क्या हुआ। नाइट के हवाले से ट्रैफिक अफसरान की जो है वो मीटिंग का निकाल दिया गया। सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लागत अली मलिक ने जो है वो मीटिंग बुलाई, जिसमें एसपी ट्रैफिक सरदार आसिफ और एसपी ट्रैफिक आसिफ सदीक ने जो है वो शिरकत की। मीटिंग में तमाम सर्कल अफसरान ने भी साथ में जो है शिरकत की। मीटिंग में जो सीटीओ लाहौर की जाने से कहा गया कि वन व्हीलर जो तेज रफ्तारी को रोकने के लिए जो है वो इकदाम का जायजा लिया जाए, खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग और कसर दिखाने वालों से कोई राहत नहीं बरती जाएगी और वन व्हीलिंग तेज रफ्तारी और जो दीगर जो इस तरह के जो खेल हैं जो कि नौजवान जो है न्यू ईयर नाइट पर खेलते हैं, इन पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त मुस्तहकम हो चुकी है और रोड्स के ऊपर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाके लगा दिए गए हैं और रात को भी 10 बजे के बाद नाके लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी अच्छा अरसलान, ये भी आगाह कीजिएगा कि शहरियों को तंबीह की गई है कि न्यू ईयर नाइट पर हुलड़बाजी और हवाई फायरिंग से भी परहेज करें। लाहौर एहकाम जो है वो जारी किए गए हैं, तमाम एस पी को और तमाम एस पी से मीटिंग का निकाल दिया गया है, जिसमें उनकी जाने से ये कहा गया है कि जो तमाम शहरी हैं वो सड़कों के ऊपर हुलड़बाजी आतिशबाजी उसके साथ साथ हवाई फायरिंग से जो है वो ग्रेज करें। जो भी शहरी इस तरह के मामला में नजर आएगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी किस्म की जो है वो नहीं। ठीक है सर, कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। अरसलान हैदर बहुत शुक्रिया, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।